नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शनिवार है और मैं अंग्रेजी की एक पुस्तक के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है स्टॉल्ड विल्स ऑफ जस्टिस। ये शिशिर त्रिपाठी की पुस्तक है और यह पुस्तक भारतीय न्याय व्यवस्था पर एक सूक्ष्म और तीक्ष्ण दृष्टि डालती है। यह पुस्तक बताती है कि दरअसल न्याय और नीति, विधि और कानून और उनके अनुपालन में क्या अंतर है। किसी भी व्यक्ति को फैसला किसी मुकदमे में मिल जाए और किसी भी व्यक्ति को न्याय मिल जाए, दोनों में अंतर है और वह अंतर कितना बड़ा है और मनुष्यता के लिए कितना आवश्यक है और उस पर किस तरह से विचार होना चाहिए, शिशिर त्रिपाठी ने यही इस पुस्तक में बताने की कोशिश की है। बतौर स्वतंत्र पत्रकार, बतौर शोधार्थी और बतौर स्तंभकार शिशिर ने भारतीय न्याय व्यवस्था को बहुत नज़दीक से देखा है। दशकों तक वह अदालतों की कार्रवाई और उनकी प्रक्रिया पर नज़दीक से नज़र डालते रहे हैं और उस पर नज़र डालने के बाद उन्होंने यह पुस्तक लिखी। इस पुस्तक की शुरुआत वह बहुत ही अलग ढंग से करते हैं। भूमिका में भी वो इस बात को कहते हैं दरअसल भारत में जो लोग अदालतों में जाते हैं वे इस उम्मीद में जाते हैं कि उनको न्याय मिलेगा, यह सामान्य तौर पर समझा जाता है, लेकिन वाकई ऐसा नहीं। कुछ ऐसे भी लोग अदालतों में जाते हैं जिनका काम होता है किसी भी मामले को उलझाना, वे मामले को लंबा खींचना चाहते हैं। और ये दो तरह के लोग पूरी न्यायिक व्यवस्था के लिए एक अलग तरह की चुनौती पैदा करते हैं। अब ये चुनौतियाँ क्या हैं, इस चुनौती के तहत वो क्या कहना चाहते हैं। शिशिर कहते हैं कि सामान्य तौर पर एक बात कह दी जाती है कि कानून अपना काम करेगा। क्या वाकई कानून अपना काम करता है? क्या आप केवल पुलिस थाने में चले जाते हो या आप किसी मामले में अदालत में चले जाते हो तो क्या कानून आपको विधिक रूप से आपकी वह मदद करता है जिस उम्मीद से आप वहाँ जाते हो? वो एक उदाहरण देते हैं, बहुत सारे उदाहरणों के साथ वह अपनी पुस्तक में उपस्थित होते हैं और वो ये कहते हैं कि एक घटना घटी थी 2005 में। एक फैसला आया, लालुंग नाम का एक आदमी था जिसको कहा गया कि यह निर्दोष था, इसको छोड़ दिया जाए। कितने साल बाद? 54 साल बाद अदालत किसी व्यक्ति को, पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़ती है, उसे जेल में डाल देती है, अदालत अंडर ट्रायल रखता है यानी उस मामले को देखता रहता है और 54 साल बाद कह देता है कि यह आदमी निर्दोष। क्या उसे न्याय मिला? वह भी तब जब वो आदमी 38 साल एक मेंटल हॉस्पिटल में था। किसी भी व्यक्ति के जीवन में, यहाँ तक कि जब उस आदमी को छोड़ा गया लालुंग को, तो उसने ये कहा कि उसको पता ही नहीं है कि वह किस मामले में गिरफ्तार हुआ था। 23 साल की उम्र में 1951 में उसको पकड़ा गया था, धारा लगी थी 326, बहुत छोटी सी एक धारा थी। और उसके बाद जब वह छोड़ा गया तो उसको इस बात का भी भान नहीं था, 77 साल की उसकी उम्र हो चुकी थी, उसको इस बात का भान नहीं था कि उसने किस अपराध में उसको पकड़ा गया था। और वह भी छूटा तब जब सुप्रीम कोर्ट का ध्यान इस तरफ गया। दरअसल इस तरह की घटनाएं एक नहीं, अनेकों घटनाएं हैं। यह पुस्तक बहुत ही घटना दर घटना
कोर्ट की रिपोर्टिंग के दौरान जिस तरह की स्थितियों से वे गुजरे, हमारे जो अदालत है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उस फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार जो है, जो जीवन का अधिकार देता है, न्याय का अधिकार देता है, जिसके सिद्धांतों पर हमारे संविधान की जिस धारा पर समूची न्यायिक प्रक्रिया टिकी है, उस पर भी सवाल उठाते हुए वे कहते हैं कि वाकई क्या भारत में न्याय मिलता है। यह पुस्तक दरअसल कुल 7 अध्यायों में इस बात को उठाती है। वह पहले अध्याय में इस बात को देखते हैं कि कहा जाता है कि न्याय अगर देर से मिले तो उसका कोई महत्व नहीं है। जो न्याय मिलता है दूसरे अध्याय में, वो इस बात का आकलन करने की कोशिश करते हैं कि वो कितना महंगा है। वो ये कह रहे हैं कि भारत में कई ऐसे बड़े अधिकारी भी हैं जो दरअसल न्यायिक व्यवस्था को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाना सामान्य व्यक्ति के लिए, आम नागरिक के लिए तो छोड़िए, बड़े से बड़े जो अधिकारी, अगर ईमानदार अधिकारी हो तो वो अपना मुकदमा फीस दे के नहीं लड़ सकता किसी बड़े वकील की। वकीलों की पर हियरिंग का भी उन्होंने उल्लेख किया है और लिखा है कि ये किसी आम आदमी के बस में नहीं है। तो क्या ये न्यायिक व्यवस्था, जो न्यायिक प्रक्रिया का सिद्धांत है, न्याय का जो सिद्धांत है, क्या ये उसका अनुपालन करता है? कहने के लिए भारत में एक लीगल एडवाइजरी सिस्टम है, मुफ्त में लोगों को सलाह दी जा सकती है, उस तरह का अधिकरण प्राधिकरण है। लेकिन क्या ये प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, इन जगहों पर भी प्रभावी रूप से काम करते हैं? इसके बाद उन्होंने मिसयूज ऑफ लॉ की बात की है। उनका कहना है कि बहुत सारे लोग कानूनी प्रक्रिया का जो है वो मजाक उड़ाते हैं। छोटा सा मुकदमा है वो चले जाते हैं, प्रॉपर्टी का मुकदमा है डिस्प्यूट में चले जाते हैं। जो लोग नोएडा में रह रहे हैं उनको पता होगा कि उनके अपार्टमेंट का जो नहीं होता, वो एक कानूनी प्रक्रिया में पूरा अथॉरिटी एक तरफ है, दूसरी तरफ बिल्डर है, तीसरी तरफ बायर है जिसने मकान खरीदा है, चौथी तरफ बुक किया हुआ है। इसी तरह से कहीं कहीं ग्रीन ट्रिब्यूनल है। तो तमाम तरह की जो एजेंसियाँ हैं वो अलग अलग एजेंसियों में, बड़ी से बड़ी कॉरपोरेट कंपनियाँ सरकार को इस बात के लिए उलझा देती हैं कि ये करार हुआ था, इस करार का ये मतलब था। शेयर बाजारों से जुड़े हुए, आर्थिक अपराध से जुड़े हुए मामले, जमीन से जुड़े हुए मामले, एक तरफ मुकदमों की भरमार है, दूसरी तरफ तमाम मुकदमे केवल इसलिए लाए गए हैं ताकि उनका दुरुपयोग किया जा सके। इसमें उन्होंने जो जनजाति से जुड़े हुए धाराएँ हैं उनका उल्लेख किया है, दहेज से जुड़ी हुई जो धाराएं हैं उनका उल्लेख किया है कि किस तरह से निर्दोष लोगों को जातिगत आधार पर, कि ये शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के खिलाफ इन्होंने बयान दिया, इस तरह से राजनीतिक हित साधा जाता है विरोधी पक्ष को दबाने के लिए। महिलाओं के न्याय की बात होती है, परिवार की बात होती है, यहाँ वो बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए मसले पर भी वो आते हैं कि किस तरह से भारत में 21-22 लाख लोगों पर एक न्यायाधीश, ऐसी स्थिति में क्या फैसला होगा, बहुत समय लाइट नहीं रहती, बहुत समय ऑनलाइन मुकदमों की प्रोसीडिंग्स नहीं होती, सुविधाएं नहीं हैं, बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, जजेस की नियुक्तियां, उनकी तनख्वाहें, उनका उनकी जो सुरक्षा है, और स्थानीय स्तर पर जो न्यायालय हैं उनका भी उल्लेख उन्होंने किया है। लीगल एड कानूनी सहायता का जो अधिकार है उसके बारे में कितने लोग जागरूक हैं, कितने लोगों को पता है, 5वें अध्याय में उन्होंने उसकी बात की है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात की है, जनहित याचिकाओं की, कि वो किस तरह से कई मामलों में बहुत आवश्यक होता है। जनहित याचिकाओं ने बहुत कुछ इस देश में बदला है, लेकिन बहुत बार ये केवल स्कोर सेटल करने के लिए होता है, एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए होता है, कई बार मामलों को, कानून को उलझाने के लिए भी होता है, इसका भी बहुत विस्तार से उल्लेख किया है। और आखिरी अध्याय जो 7वां अध्याय इस पुस्तक में, उसमें इन्होंने इस बात की उम्मीद जताई है कि कभी न कभी एक वैकल्पिक ऐसी व्यवस्था होगी जो विवादों का हल अगर करे तो अदालतों पर दबाव शायद कम हो। यह पुस्तक अपने आप में इसलिए अनूठी है कि बहुत ही गंभीर विषयों को बमुश्किल
160 पृष्ठों में सुशीर त्रिपाठी ने न केवल उस पर गंभीर नज़र डाली है बल्कि बहुत ही जिम्मेदारी परक ढंग से इस पुस्तक को उन्होंने लिखा है। इसीलिए इसके बारे में अर्घ्य सेन गुप्ता, विवेक सूद, जेएसआई दीपक, इन लोगों ने शुरुआत में ही इस पुस्तक की तारीफ की है, जो आवरण पर छपा भी है। शिशिर त्रिपाठी को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि वे एक बेहद अनोखी पुस्तक के साथ उपस्थित हैं, जो कानून के छात्रों के लिए, कानून के शोधार्थियों के लिए, पत्रकारों के लिए, कानून के प्राध्यापकों, शिक्षकों के लिए, इसके अलावा वे लोग जो भी न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हैं, न्याय व्यवस्था में जिनकी रुचि है या कानून के छात्र हैं, उनके लिए उपयोगी हो सकती है। यह पुस्तक हिंदी में भी आनी चाहिए, यह प्रकाशक से और लेखक से मेरा अनुरोध है, क्योंकि ऐसी पुस्तकों के बारे में हिंदी में भी लोग जानेंगे, बहुत सारे लोग भारतीय भाषाओं में भी अदालतों में काम करते हैं, मुकदमे लड़ते हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि देश की न्यायिक व्यवस्था और कानूनी व्यवस्था दरअसल किस स्थिति में आजकल है। इंक और कॉम ने इसको प्रकाशित किया है। मूल्य इस पुस्तक का 499 रुपये है। पृष्ठ संख्या मैं बता चुका हूँ। उम्मीद है अंग्रेजी पुस्तकों पर आधारित मेरा हर शनिवार को आने वाला यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। सोमवार से शनिवार तक इस कार्यक्रम में मैं एक दिन एक किताब में एक पुस्तक के बारे में अपनी राय रखता हूँ। शुक्रवार को कविता संग्रह की बात करता हूँ। अन्य दिनों में विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ उपस्थित होता हूँ। हमारे कार्यक्रम को देखते रहें, इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से हमें अवगत कराते रहें। धन्यवाद।